हम जब भी कभी ना किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट होता है जैसे, उसके अंदर हम लोग किसी भी को फाइंड करना चाहते हैं, कोई भी वर्ड फाइंड करना चाहते हैं, या डायरेक्ट हम उस चीज़ के ऊपर जाना चाहते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर ये फाइंड का, ये बाकी सारे हो गए हुए हैं आपके हेडिंग कैसे आपने ड्राफ्ट करनी है चीज़ें सारी। और यहाँ पर जो फाइंड है, फाइंड में है फाइंड, एडवांस फाइंड एंड गो टू, ठीक है, ये सारे आपके इसमें ऑप्शंस हैं। और फाइंड में जैसे करेंगे ना, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ, ठीक है, कंट्रोल दबाना है और साथ में इनमें आप एफ दबाओगे तो आपका ये साइड पे नेविगेशन बार खुल जाएगा। इस नेविगेशन बार के ऊपर आप कोई भी अभी वर्ड लिख दो, कि बोल मैं APA स्टाइल लिख रही हूँ, अभी जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ 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 पर ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब आप ये इसके फोर रिजल्ट्स निकले, नीचे देखें फोर रिजल्ट्स इसके मिल रहे हैं, और यानी कि चार दफ़ा ये लिखा हुआ हमारे सामने आ गया। इसके अलावा जैसे भी जो भी हमें अक्सर होता है कि हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं या कुछ भी, हम लोग उसको ढूंढना चाहते हैं कि ये इसके स्पेलिंग हमने क्या लिखे हैं, पर वहीं पे उस स्पेलिंग को ढूंढ लेते हैं, ठीक है, और वहाँ जाके देख लेते हैं कि ये स्पेलिंग कहाँ कहाँ पे जो है वो है। वो सारा आपको डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। अच्छा, इसके साथ ही जो नेविगेशन बार है, इसके अंदर सारी हेडिंग्स जो आपकी मेन हेडिंग, अगर आप इस हेड की तरफ जाओगे जहाँ में मेरा कर्सर है, हेडिंग्स में देखोगे तो ये हेडिंग्स हमारे पास चल रही हैं। देखो, ये हमने हेडिंग्स बनाई थी जो हमारा लास्ट लेक्चर था, उसके अंदर हमने ये वाली हेडिंग्स बनाई थी, ठीक है। ये मेन हेडिंग थी हमारी, हेडिंग वन, और ये हमारी थी हेडिंग टू। और चैप्टर वाइज हर एक को हमने नंबर देना होता है, जब भी कोई चैप्टर का तैयार करना है 1.1 है, फर्स्ट चैप्टर है तो 1.1 उसकी सेकंड हेडिंग होगी, और 1.2 उसकी थर्ड हेडिंग होगी, अगर उसी से रिलेटेड है, वन से ही रिलेटेड मज़ीद आ रही हैं। अगर कुछ का मेन हेड बनाना है तो आप वन की जगह उसको मतलब मज़ीद उसको ऐसे ही करते जाओगे, 1.1 अगर 0.1 कर दोगे अगर उसी की आगे से डिस्क्रिप्शन है, और इसी तरह से आप अपनी हेडिंग्स को 1, 2, 3 वो ड्राफ्ट करते जाओगे। अब यहाँ पे हेडिंग्स आपके साथ सारी आ जाती हैं, आप डायरेक्ट उस हेडिंग पे चले जाते हो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर। 100 पेजेस का प्लस या जितने भी पेजेस का आपका डॉक्यूमेंट होता है वो फ़ौरन से आपको यहाँ से, आपको ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ता, और आप एक जो चीज़ बना देते हो, ड्राफ्ट कर लेते हो, काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आती जाती है। इसके बाद ये कंट्रोल एफ़ का है, और गो टू जैसे है, गो टू में अगर हम लोगों ने स्पेसिफिक पेज नंबर पे जाना है, यहाँ पे एंटर पेज नंबर आ गया आपके सामने, और यहाँ पर आप एंटर पेज नंबर करें, जैसे हमारे पास तो दो ही पेजेस हैं वैसे, तो ये हमें उस पेज के ऊपर ले जाएगा डायरेक्टली। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो एंटर प्लस एंड एंटर और प्लस दबाना, टू मूव टू रिलेटिव टू द करंट लोकेशन एग्जांपल फोर विल मूव फॉरवर्ड फोर आइटम्स। आप इसको जो इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल जी दबाएंगे तो आपके पास ये विंडो खुल जाएगी, कंट्रोल जी, ठीक है, ये आपकी शॉर्टकट विंडो है, ये आप इसको खोलोगे, कंट्रोल जी दबाओगे तो आपकी आप उस पेज नंबर पे जा सकते हो, यहाँ पे अपना पेज नंबर एंटर कर दें कहीं पे भी, वहाँ पे आप उसके जल्दी से चले जाओगे। अच्छा, ये फाइंड की एक ऑप्शन इसमें, और गो टू की ऑप्शन है, और एडवांस हम देखते हैं। एडवांस में अब जिस तरह से ये लिखा हुआ है, अब हम कहीं पे भी इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, हम एक वर्ड है उसके स्पेलिंग को चेंज करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो आपको 50+ रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब एक तो ऑप्शन ये है ना कि आप हर एक पर जाके 50 के 50 वर्ड्स को स्पेल कर दो, लेकिन इधर ही फाइंड के अंदर आपने एक ये APA स्टाइल फाइंड कर लिया सपोज, और आप इसको रिप्लेस करना चाह रहे हो किसी और से, तो
सपोज ए पी सी स्टाइल से आप इसको रिप्लेस करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि सारी तरफ कुछ हिस्सों में जो है वो सारों में रिप्लेस कर दे, ए पी सी कर दो, जैसे ए पी ए स्टाइल वहाँ पे वर्ड है लिखा हुआ डॉक्यूमेंट के अंदर, मैं इसको रिप्लेस करना चाहती हूँ ए पी सी स्टाइल से। अब रिप्लेस करूँगी तो यहाँ पे तो ये दिखता लिखा हुआ आ रहा है कि ये है आपके। अब मैं इसको रिप्लेस ऑल कर दूंगी, ये रिप्लेस ऑल किया तो ये सारे के सारे जो हैं वो ए पी सी स्टाइल में बन गए, ए पी सी स्टाइल, ए पी सी स्टाइल। अब मैं इसको दोबारा से ए पी ए स्टाइल ही कर देती हूँ, तो फिर यहाँ पर जैसे ए पी सी अब लिखा हुआ रहा है, अब ए पी सी स्टाइल को हम लोग दोबारा से चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, ये एक आ गया आपका रिप्लेस करने का ऑप्शन के एक वर्ड है, जैसे आप उसको सपोज आपके स्पेलिंग आपको डिफरेंट लग रहे हैं या कुछ भी, आप उसको चेंज करना चाहते हो, आप उसको चेंज कर लोगे। तो ये फाइंड की हैं कुछ ऑप्शंस, और कंट्रोल जी फिर रिप्लेस का है इसमें, और एक फाइंड का है, तीन है। अब हेडिंग हाईलाइट कर दो, ऑल हेडिंग्स को मैं अगर यहाँ पे कह दूँ कि ऑल को हाईलाइट कर दो, हाईलाइट ऑल, अब यहाँ पे आपके पास सारे जहाँ पे ए पी ए लिखा हुआ है फाइन वर्ड हमने किया ए पी ए स्टाइल, और उसके बाद फिर मैं अब इसके अंदर ऑप्शन है यूज़, अब जिस जिसको भी करना चाहते हो आप यूज़ करके आप उसमें अपना फाइंड कर सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद ये रिप्लेस की भी वही चीज़ है, रिप्लेस के भी हमने ऑप्शन जैसे पढ़ी है, ए पी हम कहीं भी वर्ड को रिप्लेस करना चाह रहे हो उसको आप कर सकते हो। फिर सेलेक्ट की एक ऑप्शन है यहाँ पर, सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑल, एक तो ये सेलेक्ट ऑल करेंगे कंट्रोल ए दबा के आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, कंट्रोल ए दबा लें, या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट की और सेलेक्ट ऑल की। अच्छा, आप स्पेसिफिक अगर आप ऑप्शंस हैं इसके अंदर, आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को ही सिर्फ करना चाह रहे हो तो उसमें आप जैसे ऑब्जेक्ट्स में अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर्स वगैरह प्लेस कर की हों तो आप सिर्फ उसको सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो आप ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऑप्शन को क्लिक कर दोगे। इसके अलावा सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग है एक यहाँ पर, ये बड़ी अच्छी एक ऑप्शन है कि जहाँ जहाँ पर आपकी सिमिलर फॉर्मेटिंग है सिर्फ उसको ये सिलेक्ट कर दें। अब यहाँ पर ये अब इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा ये, क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट है हेडिंग की। अब मैं इसके ऊपर जैसे रखूँ और मैं इसको कहूँ कि सिमिलर, अब ये जिसके जिस वर्ड के ऊपर होगा इसका कर्सर होगा वही उस तरह की ये जहाँ पर अब ये देखें, एक मैंने यहाँ ऑप्शन दबाई है कि सिमिलर फॉर्मेटिंग वाले जो हैं वो सिर्फ सेलेक्ट करो, तो ये आपके पास ये वाली भी सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग सेम थी ना कि हेडिंग वन हमने दी हुई थी। अब सपोज मैं इस पैराग्राफ की को इस तरह की जितने भी हैं पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्मेटिंग हुई भी है, सिर्फ मैं उसको सेलेक्ट करना चाह रही हूँ तो सेलेक्ट के पास जाएंगे, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब आपकी हेडिंग्स नहीं सेलेक्ट हुई बल्कि और ना टेबल सेलेक्ट हुआ है और कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं, सिर्फ आपकी पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर वो वाला टेक्स्ट हुआ है जो कि जिसकी सिमिलर फॉर्मेटिंग है। तो आप और और अक्सर एक ऑप्शन है आपके पास ये ओपन ग्रामरली जो है, ये ग्रामरली जो है ये आपने मैंने तो इंस्टॉल किया आप अपने वर्ड के अंदर, और ये भी बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है छोटा सा, इसकी जो है आपकी जो भी ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, एक तो वैसे भी वर्ड की इनबिल्ट भी कुछ हैं उसमें भी, वो ऑप्शन देते हैं कि जैसे ही कोई आप गलत स्पेलिंग लिख देते हो तो उसके नीचे वो रेड उसको कर देता है, तो इसके इसकी जिसके ऊपर रेड
अब जैसे बिगनिंग के स्पेलिंग है, अगर अगर यहाँ पे ये गलत लिखे हैं तो यहाँ पे रेड आ जाता है नीचे। अब इसको राइट क्लिक करते हो तो आपको सही वाली ऑप्शन बता देता है। इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस में कुछ इसका एडवांस फीचर, जो कि आप सब ये एक तो वर्ड के अंदर आता है ना कि ये रेड कर देता है इसको, इसका एडवांस फीचर ग्रामरली की सूरत में आता है। हमें मज़ीद इसको डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग्स को, चीज़ों को रिमूव करने के लिए हम लोग इसको ग्रामरली यूज़ करते हैं। आप इसको इसकी वेबसाइट से, ग्रामरली की वेबसाइट से इसको सर्च आउट करके तो इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर, और उसके ज़रिए उसके अंदर ही ऑप्शंस होती हैं कि आप इसको अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो आप उसके अंदर अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। जैसे ये मैंने किया हुआ है, तो मेरी ये वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही एक अलग से टैब बन गई है ग्रामरली के नाम से। अब यहाँ पे मैंने इसको कहा है कि अब ये सर्च आउट करो, और अब उसने कहा है कि वन बेसिक इशू है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या बेसिक इशू वो कह रहा है। अब यहाँ पर वो कह रहा है इन इन की मिस्टेक है कि एंड इन एकेडेमिया, इसको वो कह रहा है रिमूव कर दो। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, एंड एकेडेमिया होना चाहिए वो कहता है। सुजेशंस दे देता है, और अच्छी सुजेशंस दे देता है, ग्रामरली अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम इसका वर्जन ट्राई करना चाहते हो, वो तो ज़्यादातर उसकी पेड होते हैं, वो उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। बाकी प्रीमियम वो कह रहा है 9 इश्यूज़ हैं। इसको मज़ीद आप इसकी मिस्टेक को, किसी भी डॉक्यूमेंट की मिस्टेक को रिमूव करना चाहते हो तो ये आपको एक स्पेशलाइज सर्विस देते हैं, और इसमें कुछ चार्जेस वो लेते हैं डॉक्यूमेंट की लेंथ के हिसाब से, और उसके बाद उसको उसके सेंटेक्स मिस्टेक्स और बाकी की सारी एडिट कर देते हैं आपका मुकम्मल तौर पर जो डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा जब आपने खुद ही से एडिटिंग करनी है किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो आपके पास जो इसकी फ्री वाली ऑप्शंस हैं वो बेशुमार है। आपकी जो पंचुएशंस को ये ठीक कर देता है, जैसे अभी इन वो कह रहा था इन यहाँ पर नहीं आता, उसने इन को रिमूव करवा दिया। फिर पंचुएशंस की जितनी भी मिस्टेक्स हैं, वैसे तो वर्ड के जो बिल्ड इन है वो सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स को देखता है ना, लेकिन जो ग्रामरली है ये ग्रामरली आपकी पंचुएशंस को भी देखता है, आपके सेंटेंस को देखता है। आपका सेंटेंस अगर कहीं से ख़राब हुआ है वो आपके पूरे के पूरा जो है वो उसकी सुजेशन दे देगा कि इस सेंटेंस को इस तरह से लिखें कि हमें उसको लगता है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर या इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये वाली चीज़ ये सही रहेगी, तो वो आपको सुजेशन अच्छी दे देता है। तो ये ग्रामरली है, ये भी आप अपने पास इंस्टॉल कर लें, और प्लस जब भी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना है उसके ऊपर आपने स्पेल चेक ज़रूर लगाना है। स्पेल चेक से यानी कि जो उसका बिल्ड इन फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्पेल चेक के लिए, वो आपने ज़रूर इसके ऊपर लगा के रखना है। जैसे आप कोई भी असाइनमेंट मुझे भेजते हो, आप लोगों की मैंने CV वाली देखी थी, तो उसके अंदर ग्रामर की और स्पेलिंग की बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो उससे इम्प्रेशन बड़ा ख़राब पड़ जाता है। हालांकि आप एक एक वन पेजर आप बना रहे हो और उसके ऊपर आपने ये ख्याल नहीं रखा कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी कहीं पे, आपने उसको गलत कर दिया किसी भी जगह पे, तो इसका इम्प्रेशन बहुत ही गलत पड़ जाता है। तो जब भी प्रोफेशनल आपने CV ड्रॉ करना है और CV भेजना है, आपने हमेशा बल्कि किसी भी डॉक्यूमेंट की आप अपनी एक आदत बना लें कि जैसे यहाँ पे आप बिहेवियोरल की स्पेलिंग गलत नज़र आ रहे हैं, अब जहाँ जहाँ पर आपको रेड लाइंस नज़र आती हैं किसी भी वर्ड के नीचे, आपने उसको उसके उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और उसकी जो असल वाली वो स्पेलिंग साथ में दे रहा होता है कि इसको इस तरह से चेंज कर दो, तो वो आपने ज़रूर करके वो फिर भेजना है लास्ट में रखना है। उसके अलावा आपने कभी भी असाइनमेंट स्पेल चेक के बगैर नहीं भेजनी। स्पेल जब आप लिखते हो कहीं से भी चीज़ उठाते हो, उसमें आपकी सेंटेंस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपकी आपके वर्ड्स की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कि तो मिस्टेक वाला नहीं होना चाहिए, उससे इम्प्रेशन आपका बहुत ज़्यादा बुरा पड़ जाता है। फॉर्मेटिंग आपकी बहुत अच्छी हुई हो लेकिन अंदर से आपका कंटेंट के अंदर वो स्ट्रॉन्ग ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स हों, चीज़ें हों, सेंटेंस मिस्टेक्स हों, वो उससे इम्प्रेशन बहुत गलत पड़ जाता है। तो आप लोग इंग्लिश के स्टूडेंट हो ना, इंग्लिश के हो, तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके कहीं पे भी किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। तो ये अब आपकी ये जो होम टैब है ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लोग इंसर्ट टैब की तरफ चलते हैं। इंसर्ट टैब में आपके पास ये काफ़ी सारी जो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं सामने ये हैं। अब आपने इंसर्ट करना चाहते हो एक कवर पेज, सबसे पहले हम लोग कवर पेज से देख लेते हैं
कि कवर पेज में वो क्या करता है कि कवर पेज यहाँ पर इस पे टेम्पलेट्स में ऑप्शन आ रही है। अब आपको असाइनमेंट एक अपलोड कर दूंगी, या आपकी बिगर असाइनमेंट होगी वर्ड से रिलेटेड, उसमें आपने वर्ड जितनी भी हमने रूल्स देखे हैं, या रूल्स आप अभी पढ़ रहे हैं, चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी कि आपने उसको अटैम्प्ट करना है, और ऑप्शंस भी दे दूंगी चलें कि आपने दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं जैसे तो सोसाइटी की, उनको उनके ऊपर आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है, उसके ऊपर आपने कवर जो लगाना है वो भी इधर से ही लगाना है। अब जितने आपने चीज़ों को कवर किया होगा अपनी असाइनमेंट के अंदर, अब जैसे ये डॉक्यूमेंट का एक टाइटल बन कवर का कवर बन गया उसका एक, और बाकी का ऐसे ये कवर का मैंने ऊपर किया ओपन कवर, तो ये मेरे पास कवर की ऑप्शन आ गई है। तो ये आप अपने मर्ज़ी से इसको डॉक्यूमेंट का टाइटल देख के, चीज़ें देख के तो ये कर सकते हो, कवर चेंज कर सकते हो उसका। लेकिन मैं आपको दूंगी APA फॉर्मेट के ऊपर। अब जैसे ये जो कवर इसका है ये APA फॉर्मेट के ऊपर नहीं है, तो आपने क्या करना है इसको, ये आपको दिल कर रहा है कि मैं इसको ये वाला कवर दूँ, ये वाला कवर दूँ, तो ये कवर आपने दे दिया, तो लेकिन आपने इसको स्टाइल को कोशिश करनी है कि वो APA पे ही बन जाए उसका जो कवर है, या जैसे यहाँ पे वो कह रहा है इसके अंदर ये ऑप्शन दे रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट भी ऊपर दे रहा है और पूरी आपकी जो रिपोर्ट है डॉक्यूमेंट इसका टाइटल। लेकिन हमने जो कल जो APA फॉर्मेट के बारे में पढ़ा था वो एक सिंपल था, उसके अंदर आपकी कवर अप्लाई नहीं हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ टाइटल दें, नीचे आप अपने ऑथर का नाम दें, और नीचे जहाँ पे आपके कि जिस इंस्टीट्यूट में आपने ये चीज़ भेजनी है वो 3 लाइनें थी, और दरमियान में वो सेंटर लाइन थी, और नीचे आपने डॉक्यूमेंट की डेट देनी है, और जो APA ने कहा था उसके अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है। कि अगर मैं आपको दूंगी APA का, तो आपने इस कवर को नहीं यूज़ करना, लेकिन अगर आप इस कवर को यूज़ करते हो आपने पूरा ऊपर स्टाइल जो है उसका APA वाला बना देना, सिंपल बनाना। तो लेकिन ये वर्ड की आपकी ज़्यादातर प्रैक्टिस है, आपने कोशिश करनी है जितने भी रूल्स हम सीख रहे हैं, जितनी चीज़ें हम लोग इसके अंदर सीख रहे हैं वो सारे आप अप्लाई करते जाओ। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर एक नया ऐड करना चाहते हैं पेज इसके बाद, तो हम लोग ये ब्लैंक पेज का करेंगे, तो एक ब्लैंक पेज आपके पास ये ऐड हो जाएगा सिंपली। फिर अगर हम लोग एक पेज ब्रेक चाहते हैं, पेज ब्रेक है, मैं सपोज यहाँ पर एक पेज ब्रेक चाहती हूँ, ये नेक्स्ट में चला जाए और ये बाकी की, तो मैं इसको पेज ब्रेक दे दूँगी। अब ये जो नीचे वाली हेडिंग है वो यहाँ पर आ गई है। अब पेज ब्रेक देना, ये चीज़ें तो बड़ी इजी हैं, जो इसके अंदर एक एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पेज लेआउट में आती है। चलें अभी फ़िलहाल यही करते हैं। और इसके बाद इंसर्ट में टेबल आप करना चाहते हो, आप अपनी मर्ज़ी से टेबल ड्रॉ कर सकते हो, और मैम इंसर्ट की जी, मैम पेज मूव कैसे करते हैं, पेज क्या, रिमूव कैसे करते हैं? अगर हमसे एक ब्लैंक पेज ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा, तो हम उसको रिमूव कैसे करेंगे? आप उसको सिंपली उसको सिलेक्ट करें ना, जिस तरह से ये एक पेज है, ये एक मैंने ऐड किया ना अभी, मैंने इसको सिंपल ऐड किया और उसका मैंने बैक स्पेस दबा दिया, तो मेरा रिमूव हो जाएगा ज़्यादातर। ये वाला चाह रहे हैं ना, ये वाला मैं चाह रही हूँ कि ये हो ही ना, ये अब मैंने इसको बैक स्पेस दबाया तो वो रिमूव हो जाएगा पेज, ठीक है। अब इसकी जगह ये चीज़ आ गई है। अब ये वाला मैं ऊपर वाला भी चाहें सपोज, ये भी मैं करना चाह रही हूँ, रिमूव करना चाह रही हूँ, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया जितना भी इसके ऊपर सेलेक्ट हो सकता है, और मैंने इसको बैक स्पेस दबा दिया। बैक स्पेस दबाएंगे अब नीचे वाला जो है ऊपर आ गया, अब ये वाला जो रिमूव हो गया ऊपर वाला भी पेज, ठीक है, वो मैंने जो ऐड किया था वो भी रिमूव हो गया। बैक स्पेस दबाने से आपका वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपका टेबल आप लोगों ने ड्रॉ किया, ये जो चीज़ थी इंसर्ट आपने जाके अपनी मर्ज़ी से ड्रोज और उसको कर सकते हो। अब अपनी मर्ज़ी से एक एक्सेल एक्सेल की शीट इसके ऊपर ड्रॉ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। फिर अपनी मर्ज़ी से जितने भी आप टेबल, सपोज ये वाले टेबल चाहिए तो आपको चीज़ें पता है कि आप लोगों ने ड्रॉ किया है, सिंपल सा एक टेबल ड्रॉ करने के लिए चीज़ें, लेकिन हमने इसके खूबसूरत कैसे बनाना है इसकी हमने ऑप्शंस देख ली थी सबकी, कि ये डिज़ाइन हम लोग इसको दे सकते हैं
एक टेबल को, और अपनी मर्जी से दे सकते हैं और अच्छा सा खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन टेबल का जो मकसद है वो हमेशा इसके अंदर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हमने लास्ट भी बात की थी कि टेबल के अंदर आपका कभी भी टेक्स्ट नहीं होगा, छोटी छोटी सी फिगर्स होंगी, यहाँ पर उसकी हेडिंग्स होंगी कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, और आगे मज़ीद उसकी फिगर्स होंगी। और फिगर्स में अब जैसे प्राइस थी प्रोसेसर की, जैसे प्राइस आप लोगों ने लिखा कि प्राइस इस प्रोसेसर की ये प्राइस है, ये प्राइस है, तो आप उसमें यहाँ पर प्राइस लिखे लिखोगे और आगे सिर्फ उसकी प्राइस मेंशन करोगे। अगर आपकी स्पीड है तो आप सिर्फ उसमें स्पीड मेंशन करोगे। अगर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो तो स्टेरिक लगा के टेबल के नीचे आप उसको एक्सप्लेन कर लोगे कि ये इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इस तरह से वो एक खूबसूरत और प्रोफेशनल टेबल आपका तैयार होगा। तो अभी जैसे मैंने आपको दिया था, उसमें आप लोगों को, आप लोगों ने एफर्ट किया है, अच्छी एफर्ट की है, आप लोगों ने टेक्स्ट उठाया है, सर्च किया है जगह जगह से, तो आपने पूरा डाटा इकट्ठा करके उसको किया, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन है टेबुलर फॉर्म में वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग उसी तरह से होगी जब आप उसको उसके मीनिंग को अच्छे तरीके से वाजे तौर पर कर सकोगे। अब जैसे कुछ बच्चों को मैंने 9 नंबर दिए हैं, उनका टेबल अच्छा था, लेकिन और सिर्फ 10 बहुत कम लोगों को दिए हैं मैंने, लेकिन 10 वाला अभी किसी का भी काम नहीं था। टेबल जो आप लोगों ने बनाया था तो उसमें 10 वाला किसी का भी काम नहीं था, लेकिन मेरे हर में एक आधे ग्रुप को मैंने दिए है 10 नंबर। उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है और अभी ज़रूरत है। आपने जब भी नेक्स्ट रिपोर्ट वगैरह भी तैयार करनी है, आप सपोज आपने कहीं से, मैंने अभी आपको जो रिपोर्ट देनी है रिपोर्ट राइटिंग के लिए, तो उसके अंदर भी सारी आपकी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। यानी कि टेबल है आपका तो उसको एक एक पेज के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। अब ये पेज है, इसके अंदर आपने सपोज उसके फीचर्स को आप डिस्कस कर रहे हो, प्रोसेसर्स हैं उसके फीचर्स को डिस्कस कर रहे हो, आप अगर उसके ऊपर हेडिंग दोगे कि मैं इस टेबल में क्या चीज़ है, फीचर्स ऑफ द प्रोसेसर्स, आप इसमें AMD लिखो, यहाँ पे 4 लिख के, फिर यहाँ पर भी एक हेडिंग दे दो, यहाँ पर एक हेडिंग दो के इस मज़ीद इसके क्या किन किन फीचर्स को आप हाईलाइट कर रहे हो, फिर नीचे उसका मज़ीद करते जाओगे। अब हमेशा जो टेबल है, आपने कभी भी किसी बुक के अंदर 10-15 पेजेस के ऊपर फैला हुआ नहीं देखा होगा, ठीक है। टेबल हमेशा छोटा सा होता है, एक पेज के ऊपर होता है, अगर तो वो एक पेज से ज़्यादा जा रहा है, आपने उसको कोशिश करनी है कि उसकी जो स्पेसिंग है या उसके उसके जो सेल्स हैं उनको आप छोटा कर दो, उनको आप छोटा करके, या उसके जो फॉन्ट है जो भी आपने उसके अंदर लिखी हुई है चीज़ें उसको आप छोटा करते जाओ, छोटा करके, तो आपके जो एक पेज के ऊपर आ जाए। जैसे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये टेबल है ना आपका, ये आधा टेबल इस पेज के ऊपर है, आधा टेबल इस पेज के ऊपर है, कभी भी ऐसा नहीं आपने करना, ये एक वायलेशन होगी। तो आपने यहाँ एक टेबल जो है आपने उसको कोशिश करके एक पेज के ऊपर ही करना है, एक पेज के ऊपर ही आपने मेंशन करना। अगर उसका नेक्स्ट सेक्शन है आप उसको ब्रेक करें, उसके नेक्स्ट फीचर्स अगले पेज के ऊपर ले जाएं, ठीक है। तो या उसको इस तरह से आपने फॉर्मेट करना है कि वो बुरा भी ना लगे, उसका फॉन्ट छोटा कर दें, फॉन्ट छोटा कर दें, उसकी सेल्स जो हैं सेल्स की, जैसा से यहाँ पर एक कर, यहाँ पर 2 लाइनें लिखी जा सकती हैं, आप एक ये लाइन लिखी जा सकती है, इसके नीचे भी एक लाइन लिखी जा सकती है, लेकिन आपने उसको क्या करना है, अगर आपकी एक लाइन के अंदर ही लिखा तो आप उसको इसके सेल को छोटा कर सकते हो, सेल को आप छोटा कर दो, वो आपका एक पेज के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा है, आपने कुछ ज़्यादा चीज़ें लिखनी है, तो फिर आप इस तरह से कर सकते हो, या उसकी आप सेग्रीगेशन कर दो, आपके फिर 2 तरह के टेबल बना दो, हेडिंग डिफरेंट कर दो, एक हेडिंग में है उसके फीचर्स कर दो, एक हेडिंग में उसकी मजीद जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको कर दो, लेकिन वो अगले पेज पे आना चाहिए। कभी भी टेबल आपका इस तरह से नहीं होगा कि आधा टेबल इस पेज के ऊपर है, आधा टेबल इस पेज के ऊपर है, आपने हमेशा पूरा टेबल एक पेज के ऊपर लेके आना है और एक पेज के ऊपर ही करना है, ठीक है। आपके सामने होना चाहिए, ये आपकी प्रेजेंटेशन है जिसको आपने हर हालत में इम्प्रूव करना है, और जब भी आपको किसी किस्म का टास्क दिया जाएगा आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके बाद इंसर्ट के अंदर आपके पास पिक्चर्स की एक ऑप्शन है, कहीं से आप फॉर्म फाइल कहीं से भी आप इसमें पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे से मैंने आपको CV में दिया था, तो वहाँ से यहाँ पर आप आपके ऑप्शन है कि आप यहाँ से पिक्चर्स ले सकते हो। फिर कुछ आप लोगों के पास होती हैं सिंबल्स रिक्वायर्ड होती हैं, सिंबल्स में आपको एरो चाहिए कहीं पे, आप उसको एरो एरो को ड्रॉ कर सकते हो कहीं पे भी, अक्सर ज़रूरत होती है, जैसे
जब आप मजीद इसके काम करते रहोगे दूसरी चीज़ों में, तो आपको वेरिएबल्स को शो करना है या कहीं पे भी शो करनी है चीज़ें, तो वहाँ पर आपको शेप्स का सारी रिक्वायर्ड होती हैं। आप यहाँ से अपनी शेप्स ले सकते हो, ये प्लस माइनस और ये सारी, मजीद आप इसको जितना भी इम्प्रूव करना चाहते हो कर लो। इसके बाद स्मार्ट वर्ड है, ये भी ज़्यादातर आप अपने पावर पॉइंट के अंदर सीखोगे। पावर पॉइंट में ज़्यादा ये वाले चीज़ें सिंपल होके इनकी समरी लिस्ट वगैरह ये वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम उसको मज़ीद उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अक्सर आपके पावर पॉइंट पे आपने किया है, ये वहीं से आप उसको उठा के तो यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हो, और वो प्रेजेंटेशन में ज़्यादातर ये चीज़ यूज़ होती है, स्मार्ट वर्ड ये वहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। इसके बाद चार्ट्स हैं, कुछ चार्ट्स में आप इसमें लाइन ग्राफ्स हैं, लाइन है, पाई है, बार, एरिया, ये सारे आपके पास चार्ट्स की ऑप्शन हैं। अगर आपको कोई ना कोई चार्ट ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से कहीं अपने उनको वैल्यूज़ दें और उसमें आप उनका चार्ट अपना तैयार कर सकते हैं। अब सपोज़ एक लाइन बार आप इसमें करना चाहते हो, ये चार्ट आप ड्रॉ करना चाहते हो अपने उसके अंदर, और आपने कैटेगरी 1, 2, 3, 4 ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इसको सिलेक्ट कर लोगे इस चार्ट को। ये आपके पास आ गया। अब आपने इसमें कैटेगरीज अपनी मर्जी से, इसने लिखा है वह कैटेगरी 1 और सीरीज 1, 2, 3, यहाँ पर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो कि ये भी एक्सेल का ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादातर एक्सेल में करते हैं। अब कैटेगरी 1 की जगह मैं सपोज लिख देती हूँ GDP1 1 लिख देती हूँ, इसमें अब आपका यहाँ पे GDP1 लिखा हुआ आ जाएगा। और इसमें सेक्शन में मैं इसको मज़ीद 3, और सीरीज़ में भी इसको मैं चेंज कर दूँ, सीरीज़ को 2000, सीरीज़ में 2017 और 2018 ये मैंने चेंज किया, तो नीचे साथ साथ आपके चेंज होता जा रहा है। ये देखेंगे GDP1 आ गया यहाँ पे आपके, अब ये 2006 को, ये 16 को ब्लू कलर शो कर रहा है, 17 को ऑरेंज शो कर रहा है, और 18 जो शो कर रहा है वो ग्रे को शो कर रहा है। अब ये तीन हो गए आपके हेड्स। अब सपोज GDP1 और ये आपके आ जाएगा, यहाँ पे मॉनिटरी लिख देते हैं, मॉनिटरी में क्या रहा, मॉनिटरी पॉलिसी में क्या रही, ये डिफरेंट ईयर्स में आ जाएगी। फिर आपकी इन्फ्लेशन, सपोज इन्फ्लेशन का आपने रखना है इसके अंदर कि इन्फ्लेशन महंगाई कितनी दिनों कितने 2016 में क्या रही, 17 में क्या रही, और 18 में क्या रही। अब इन्फ्लेशन आपके, अब आपके पास ये जो पूरा बन रहा है ये एक इकोनॉमिक फिगर बन रही है कि आपने किसी भी कंट्री का सपोज आप इकोनॉमिक फिगर सामने लेके आना चाह रहे हो या डिस्प्ले करना चाह रहे हो, तो इसमें आप अपनी छोटी छोटी जो इकोनॉमिक फिगर्स हैं, GDP है, फिर आपका मॉनेटरी है, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी में या इसका इंटरेस्ट रेट को कर दें, इंटरेस्ट रेट, और फिर इन्फ्लेशन, और इस तरह से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। आपको एकदम से डिस्प्ले हो जाएगा कि अच्छा GDP इस ईयर में 2017 में ये था और 2016 में ये था, और ऐसा इस तरह से आप इनकी फिगर्स को चेंज करके, तो इनकी जैसे फिगर्स को चेंज करेंगे तो आपके ये बार्स जो बनी हुई हैं ये भी चेंज हो जाएंगी। अब सपोज ये वाली है जैसे, तो इसकी फिगर्स को हम चेंज करते हैं, देखते हैं इसकी बार्स में क्या डिफरेंस आता है, ये करके देखते हैं 4, 5, 3, अब देखें ये बड़ी हो गई ना, ये वाली बार बड़ी हो गई, 5 बन गई है, ये 4 बन गई है। इस तरह से आपने एक बार ग्राफ अपनी जो रिपोर्ट राइटिंग करनी है उसमें बार ग्राफ या चार्ट को आपने एक छोटा सा चार्ट बना के और नीचे फिर आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है।
अब ये हमने एक तो चार्ट बनाना सीख लिया है, इसी तरह से हम लोग पाई चार्ट भी बनाते हैं। अब सपोज एक आपने रिपोर्ट तैयार की है और उसके अंदर आपको लगता है कि आप उसको कैटेगराइज कर दें, या उसमें कैटेगरीज बनती हैं, या इतने परसेंट मेल थे, इतने परसेंट फीमेल थी। जैसे सपोज आपकी क्लास है, आपकी क्लास के अंदर अब यहाँ वो पाई चार्ट बनेगा, आपकी क्लास के अंदर ये चीज़ अगर मैं ड्रॉ करना चाह रही हूँ, मैं ये इसमें सारी बाकी रिमूव कर दूंगी। अब मुझे सिर्फ दो हेड चाहिए, एक मुझे चाहिए, दो चाहिए। मैंने एक एक में लिखना है मैंने कि इतने परसेंट या इतनी गर्ल्स हैं आपकी क्लास में और इतने बॉयज़ हैं। तो क्वांटिटी को मैं अलग अलग लिख लूँगी कि क्वांटिटी कितनी है, या फीमेल्स और मेल्स। अब मेल्स आपने यहाँ पे फीमेल्स हैं सपोज 40 हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसको 60, मेल 60 हैं, बाकी के हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। अब ये देखें सारी बाकी के रिमूव हो गए, आपकी मर्ज़ी का अपना पाई चार्ट खूबसूरत सा बन गया। अब इसमें मेल्स और फीमेल्स की बात आ रही है, अब यहाँ पर इसकी हेडिंग हम चेंज करना चाह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि हम किसी चीज़ का या जेंडर गैप, जेंडर्स का देख रहे हैं, जेंडर्स देख रहे हैं पूरी क्लास में कि क्या क्या है। अब ये आगे इतने परसेंट आपके पास मेल्स हैं जो ऑरेंज में शो हो रहा है, और ये आपकी फीमेल्स हैं। आप इसको मज़ीद भी अच्छा कर सकते हो, इसके ऊपर सपोज आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और आप चाहते हो कि इसके ऊपर ही लिखा हुआ आ जाए, तो ऐड डाटा लेबल, आप इसको लेबल कर सकते हो यहाँ पर, फिर आप मज़ीद इसको अपनी मर्ज़ी से अलाइन भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है, उसमें आपने कुछ ये सारी फिगर्स और चीज़ें ऐड करनी है लाजमी, और इसके अलहदा से होंगे जितने बच्चों ने यूज़ किए होंगे, जितना वर्ड को अच्छे तरीके से यूज़ किया होगा उसकी चीज़ों को, उतने ही उसके मार्क्स होंगे। बाकी ये स्टोर एप्स और इसकी ये एक है चीज़, और दूसरा आप हेडर एंड फुटर्स लगाना चाहते हो। हेडर के लिए, हेडर जिस तरह से एक पेज है और एक पेज के ऊपर आपने यहाँ पर हेडर, इसको ऊपर डबल क्लिक करेंगे पेज के सबसे ऊपर वाले फ्रंट पे, तो ये आपका हेडर बन जाएगा। अब आपने हेडर या फुटर, अब हम यहाँ से ऑप्शंस देख लेते हैं इंसर्ट के अंदर, ये हेडर की क्या क्या हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं। एक तो ये स्टाइल है हेडर का, और एक ये स्टाइल है, यहाँ पर भी आए, तीन जगहों पे आपका हेडर आ जाएगा। ये डॉक्यूमेंट टाइटल, इस तरह का भी हेडर है, इस तरह का हेडर है, एक ये हेडर आ गया आपका। अब यहाँ पर पेज नंबर और इस तरह से ये खूबसूरत सा ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहते हो, सपोज अपना अपने गिफ्ट का लोगो लगाना चाहते हो, तो अपनी यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो जो कि आपका दिल आपका है कि सारे पेजेस के ऊपर आ जाए, तो आप छोटा सा यहाँ पे एक लोगो ड्रॉ कर दोगे खुद। वो आपको अलहदा से हर पेज के ऊपर जाके नहीं प्लेस करना पड़ेगा, बल्कि आप जहाँ पर करोगे वो आपके पूरे पूरे डॉक्यूमेंट के सब सब हेडर में वो आपके शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, एक तो ये हेडर एंड फुटर की बात है, फिर आपके फुटर्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। आपने पेज नंबर कहाँ पर देना है, यहाँ पे दरमियान में होना चाहिए, साइड में होना चाहिए, या आपने नीचे कोई चीज़ लिखी भी है। सपोज आप अपना नाम रखना चाहते हो कि ये डॉक्यूमेंट जिसने तैयार किया उसका नाम आ जाए, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, तो अब पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर उसके फुटर में मेरा नाम आ रहा है, ठीक है ना। अब एक जगह मैंने लिखा है उसके फुटर में, पूरे डॉक्यूमेंट में ये चीज़ शो हो रही है। तो एक ये चीज़ आपने इंसर्ट में, अब पेज नंबर आपने करना है, फिर कहाँ पे पेज नंबर प्लेस करना चाह रहे हो, टॉप पे करना चाह रहे हो। अब ये रिक्वायरमेंट आपको मैं बता दूंगी जो कि ये मेंशन कर दूंगी। अब ये पेज थ्री, अब मुझे ये स्टाइल अच्छा लगा, मैंने इसको यूं करके पेज नंबर दे दिए, ठीक है। ये आपके पेज नंबर का आ गया, और पेज नंबर आपने लाजमी देना है, और पेज नंबर के बगैर आप कोई भी काम नहीं करेंगे। पेज नंबर फिर बॉटम में उसका है, फ्रंट पे है, और
फॉर्मेट पेज नंबर और रिमूव पेज नंबर। इसमें फॉर्मेट पेज नंबर्स में हम जाते हैं और उसमें हम लोग ऑप्शन ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। नंबर फॉर्मेट इंक्लूड चैप्टर नंबर्स, फिर कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन। अब इनका क्या फंक्शन है हम लोग ये चीज़ देखते हैं। और अब स्टार्ट एट वन या स्टार्ट एट, मैं कहती हूँ स्टार्ट एट टू करो, टू से करो, फर्स्ट वाला ना दो। तो आपके पास फर्स्ट पेज पे नहीं आया और फर्स्ट पेज पे देखें पेज नंबर लिखा हुआ नहीं आया, और सेकंड पेज से सेकंड से शुरू हो रहा है, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया और ये फोर्थ। सपोज मुझे कंटिन्यू करना है पेज नंबर से, फॉर्मेट पेज नंबर मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि यहाँ से फोर्थ से स्टार्ट करो, तो फिर क्या होता है, अब फोर्थ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट पे नहीं है, ये फोर्थ से पेज नंबर स्टार्ट हो गया। अब एक और ऑप्शन इसमें, अब रिमूव पेज की भी है, अब इसमें कोई भी रिमूव करना चाहते हो पेज, इसको पेज नंबर उसने रिमूव कर दिए सारे हर तरफ, वो एक ही क्लिक दबाने से सारे पेज नंबर रिमूव हो गए। अब अपनी मर्ज़ी से कोई और पेज नंबर देना चाहते हो, कोई और चीज़ करना चाहते हो। अच्छा, पेज मार्जिन, की भी ऑप्शन है, बाकी ये आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपका दिल करे आप उसके अंदर लिख सकते हो। इसके बाद फिर हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स है, अगर हम सपोज यहाँ पर कोई टेक्स्ट ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स भी कर सकते हैं, उसको प्लेस कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हमारे पास एक ऑप्शन है वर्ड आर्ट की। अब सपोज मेरा दिल कह रहा है कि जो मेरी हेडिंग्स हैं वो सिंपल होने की बजाय मुझे ना कोई आर्ट की सूरत में नज़र आए, तो मैंने ये आर्ट उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो अब ये मेरी हेडिंग इस तरह से शो हो रही है, साइकोलॉजिकल बुलेटिन, अब वो इस तरह से आ रही है। अब इंसर्ट में जाऊँ और उसमें फिर मैं वर्ड आर्ट देखती हूँ और उसमें ये चीज़ ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको ये वाला कॉपी करके तो इसको मैं प्लेस करूँगी, तो ये आपका इस स्टाइल के साथ ये, खैर ये आपने अपनी प्रैक्टिस और अपनी उसके ऊपर ही है, आपके जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसके हिसाब से करते जाओ, लेकिन जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी आपने उसी चीज़ को फॉलो करना, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से उसका उस स्टाइल के अंदर उसको अपना पेस्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप सिग्नेचर किए हैं, ऑब्जेक्ट्स किए हैं, डेट एंड टाइम प्लेस करना चाहते हो, फिर इक्वेशंस हैं, सिंबल्स हैं इसके अंदर अपने, जैसे कोई मैथमेटिकल फार्मूलाज आप लिखना चाहते हो तो ये फार्मूलाज बने बनाए भी पढ़े हुए हैं, बाकी सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट वगैरह हमने सीखा था और उस तरह से भी आप फार्मूलाज को लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स स्पेशलाइज सिंबल्स हैं मजीद, वो भी हम लोग इधर से देख सकते हैं कि यहाँ से ले लें। अच्छा, अब एक जो डिज़ाइन है, सपोज मुझे ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो मैंने ये टाइटल उसका ये होना चाहिए, आप इसको मर्जी से अपने टास्क बार के अंदर भी रख सकते हैं। अब पेज बॉर्डर्स हैं, पेज बॉर्डर्स में बॉर्डर, यहाँ पर आप पेज बॉर्डर में चले जाओ, ये डिज़ाइन के अंदर पेज बॉर्डर्स देना चाह रहे हो आप कोई भी, और बॉर्डर्स आप पेज बॉर्डर में जाओगे और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर लो, और ये बॉर्डर आपने सेलेक्ट कर लिया, और होल डॉक्यूमेंट पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो। अब ये पूरा बॉर्डर आपका पेज बॉर्डर ड्रा हो गया पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, या बॉर्डर ड्रा कर सकते हो। फिर कलर उसको करना चाह रहे हो, पेज कलर आपने ये करना चाह रहे हो ये कर दो, ये सिंपल करना चाह रहे हो इस तरह से भी कर सकते हो। इस तरह से आप इस चीज़ को चेंज करके अपनी प्रैक्टिस के थ्रू जो भी आपको दिल करता है उसको आप मज़ीद कर सकते हो, सही है। और उसमें नन करना चाह रहे हो नन भी कर सकते हैं। खैर, अब यहाँ पे वाटर मार्क है, अब वाटर मार्क ये कॉन्फिडेंशियल, अब वाटर मार्क को हम एक प्लेस कर सकते हैं। सपोज कुछ बच्चे जो हैं कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, वो कहते हैं मेरा पूरा वाटर मार्क आ जाए इसके ऊपर ही। जैसे सपोज नेस्ले है, नेस्ले मैं लिखना चाह रही हूँ अपने वाटर मार्क में, मेरे के हर पेज के ऊपर ये लिखा हुआ है, टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है मैं इसको मॉडिफाई कर सकती हूँ। यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए नेस्ले सपोज मैं लिख देती हूँ,
नेस्ले, और उसका जो फॉन्ट है वो मैं चाहती हूँ कि टाइम्स में लिखा हुआ है, ये टाइम्स नहीं, रोमन मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इंग्लिश है नेस्ले लिखा हुआ है, अप्लाई कर देंगे तो अभी आपके पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर ये नेस्ले लिखा हुआ आ जाएगा, ये वाटर मार्क आ जाएगा। ठीक है, ये भी खूबसूरत बनाने के लिए है इसको, डॉक्यूमेंट को क्या जिसके ऊपर आप बना रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बना रहे हो, तो आपने पीछे एक वाटर मार्क दे दिया। तो और काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्होंने पीछे अपना एक वाटर मार्क दिया हुआ होता है। अब अपना लोगो आप प्लेस करना चाह रहे हो और या इस तरह से नहीं, तो फिर इस तरह से अब आपके पास ये ऑप्शन है, मर्ज़ी से आप इसको कर सकते हो। रिमूव वाटर मार्क, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगी, अब ये मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर रिमूव हो गया, यहीं से आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। इसके बाद कलर, बाकी ये चीज़ें तो आपको काफ़ी हद तक खुद ही भी समझ आ जाएंगी कि आप स्टाइल क्या देना चाह रहे हो ऑफिस का, और बाकी अपनी प्रैक्टिस के साथ आपने करते जाना। इसके बाद आपके पेज नंबर्स हैं, पेज नंबर्स में नॉर्मल मार्जिन रखने हैं तो ये आपके पास हैं। मैं आपको स्पेसिफाई कर दूँ कि जब आपके मार्जिन हों वो आपके इस लेंथ के हों, तो फिर आपने उसको कस्टम मार्जिन कर देना है। कस्टम मार्जिन में जाके तो आपने टॉप को, सपोज मैं कहती हूँ कि टॉप से आप 4 का गैप दो, आपने 4 सेंटीमीटर का गैप देना, तो और जो लेफ्ट से आपका 3 सेंटीमीटर का गैप हो, और बॉटम से भी आपका 4 का हो, और राइट से भी आपका 3 का हो। तो आपने इस तरह से इसको, जब मैं कहूँगी कि आपके मार्जिन जो हैं वो इतने इतने हों, तो आप इधर से कस्टम कर सकते हो। अब आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो मार्जिन हैं या पेज है आपका, वो इसी विड्थ के साथ या लेंथ के साथ स्टार्ट होगा, कि जो सामने आपके मार्जिन जो हैं वो लगे हैं तो इतने इतने लेंथ के लगे हैं, 4 ऊपर से जोड़ देगा। जब भी आप लिखोगे, जो भी काम करोगे, वो हमेशा ऊपर से स्टार्ट नहीं करेगा, जैसे ये पहले ऊपर था ना, ये ऊपर से स्टार्ट नहीं करेगा बल्कि 4 इंच नीचे से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमने उसको मार्जिन इतने दे दिए। और साइड वाले मार्जिन में देखो कि साइड में भी वो काम नहीं, वो उसने नहीं लिखा कुछ भी आपके, उसने इस तरह से अपनी मर्जी जितने आपको रिक्वायर्ड था आपने उसको कर दिया। अब सपोज इसको मैं जस्टिफाइड करना चाह रही हूँ, होम टैब के अंदर इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। अब यहाँ से देखें कि यहाँ पे आपके साइड वाले जो मार्जिन हैं जितने आपने दिए थे उसको, उसने उस हिसाब से पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर अपने आपके मार्जिन को प्लेस कर दिए। डिज़ाइंस के अंदर ही बाकी डिज़ाइन, हाँ पेज लेआउट, अच्छा ओरिएंटेशन है एक, कभी आपको लैंडस्केप में और पोर्ट्रेट में चाहिए, जो आपका सीधा सीधा सा होता है ये पोर्ट्रेट है, और एक आपकी ओरिएंटेशन है लैंडस्केप की। अब लैंडस्केप में आपने जैसे हॉरिजॉन्टल करते हैं पेज को, तो आपका ये चीज़ आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल में आपको शो होना शुरू हो जाएगा, ओरिएंटेशन आपकी हॉरिजॉन्टल होगी। अब इसकी ओरिएंटेशन चेंज करना चाह रहे हो, पोर्ट्रेट करते हैं सिंपल। और अब साइज़ है, जैसा से अब प्रिंटर के साइज, आपका पेज है जैसे पेज के साइज़ आपके होते हैं, अब A4 जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है, लीगल वो लंबा होता है, लेटर भी बड़ा होता है, लेकिन आपने ज़्यादातर A4 साइज़ में उस पर रखना है प्रिंटर को भी, और अपने जो प्रिंटिंग की है वो भी, उन चीज़ों को आपने A4 साइज़ पे रखना है। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है कि 2 कॉलम्स बना सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर। सपोज मैं इसके अंदर इसको 1 कॉलम है ये, मैं इसको 2 में करना चाह रहा हूँ, तो ये आपके 2 में बन गया। जैसे आप फ्लायर्स में या चीज़ों में या आर्टिकल्स वगैरह में देखते हो, आपका ये डॉक्यूमेंट पूरा 2 में डिवाइड हो गया, 2 कॉलम्स में लिखा हुआ आएगा। फिर एक ही ऑप्शन है, बाकी ये ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 3 में आपका लिखा हुआ आ जाएगा। हम लोग जैसे न्यूज़पेपर के अंदर भी देखते हैं, उसमें कॉलम्स यूँ करके बने हुए होते हैं, अलग अलग 3 जो हैं वो बने हुए होते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें, अच्छा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने इसके अंदर, आज अभी मैं सिखा रही हूँ, इसके अंदर क्या आपने करना है कि अगर आपने सेक्शन अलग अलग करना है, सपोज ये आपका टाइटल पेज, फिर आपका टेबल ऑफ कंटेंट का जो पेज है आप चाहते हो कि वो अलग से एक सेक्शन रहे, उसके ऊपर उसकी नंबरिंग भी अलग हो, लेकिन हो वो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ही,
ठीक है, एक टाइटल पेज है, फिर आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, और टेबल ऑफ कंटेंट इसके अलावा आपकी एक डेडिकेशन या कुछ जो ऊपर वाली जो चीज़ें होती हैं, आपने बुक के ऊपर, बुक के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो प्रीफेस होता है या दूसरी चीज़ें होती हैं उनकी नंबरिंग डिफरेंट होती है, लेकिन जब आपका जो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन होता है उधर से पेज नंबर आपका डिफरेंट स्टार्ट होता है। आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ही दो सेक्शंस को ड्रॉ करना चाह रहे हो। दो सेक्शंस को ड्रॉ करने के लिए अब सपोज मैं इस वाले टाइटल पेज के सेक्शन अलग रखना चाह रही हूँ और इस पेज को मैं अलग से रखना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर एक तो ब्रेक है ना, ये पेज ब्रेक, हम लोग पेज ब्रेक भी डाल देते हैं कि ये पेज ब्रेक डाल। मैम जी, मैम रामीन को एंटर होने दें। रामीन को किया, मैंने एंटर कर दिया। अच्छा जी, यहाँ से आपने यहाँ पर एक पेज ब्रेक डाल दी। पेज ब्रेक के अलावा जो ब्रेक्स हैं यहाँ पे आप ऑप्शन देखो कि नेक्स्ट पेज और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये सेक्शन ब्रेक्स है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे सेक्शन ब्रेक्स आ रही हैं, ये पेज ब्रेक्स हैं, कॉलम्स हैं, टेक्स्ट रैपिंग है, लेकिन यहाँ पे एक सेक्शन ब्रेक के नाम से ऑप्शन आ रही है। सेक्शन ब्रेक में आपने वो कह रहा है कि एक तो नेक्स्ट पेज पे चला जाए, ठीक है, नेक्स्ट पेज के की वाले और सेक्शन देना या कॉन्टिन्यूस करना, इवन पेजेस और ऑड पेजेस। अब यहाँ पे मैं सपोज इसको नेक्स्ट पेज की कह देती हूँ। अब ये हमारे पास कहाँ पे आया, नेक्स्ट पेज पे हमारा आ तो गया है कहीं पे, लेकिन हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। ये छोटा हम इसको सर क्या करेंगे, ऑप्शन है, ये है होम टैब के अंदर ही, होम टैब के अंदर एक ये छोटा सा ये बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ऑप्शन को दबाएंगे तो ये आपके पास एक लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पर आपकी पेज ब्रेक लगी हुई है, और यहाँ पर ये भी देखिए, यहाँ पर मैंने एक पेज ब्रेक लगाई हुई है, फिर यहाँ पर मेरी एक सेक्शन ब्रेक लगी हुई है, ठीक, ये सेक्शन ब्रेक है। सेक्शन ब्रेक में ऊपर वाला हिस्सा आपका अलहदा हो जाएगा और नीचे वाला हिस्से की फॉर्मेटिंग अलहदा हो जाएगी। जैसे मैं ऊपर वाले हिस्से में एक सेक्शन में मैं उसके रोमन वाली नंबरिंग देना चाह रही हूँ, तो वो रोमन वाली नंबरिंग मैं देती हूँ, और नीचे वाले सेक्शन में जो कि मैं कह दूंगी कि डिफरेंट कर दो इसके ऊपर ही करके, कि इसको मैं डिफरेंट रखूँ सेक्शन को, नीचे वाले सेक्शन को हम लोग डिफरेंट रखना चाह रहे हैं, उसकी फॉर्मेटिंग और उसकी पेज नंबर डिफरेंट हो, तो हम इस तरह से सेक्शन ब्रेक दे के, तो और ये याद रखना आपने कि ये पेज लेआउट में, ये ब्रेक्स में जाना है, ब्रेक्स में जाके नीचे यहाँ पर सेक्शन ब्रेक्स के नाम से, तो आपने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे करा जाना है, यानी कि दो अलग अलग आपकी बन जाएंगी, कि ऊपर वाली फॉर्मेटिंग आपकी डिफरेंट होगी, नीचे वाली होगी डिफरेंट होगी। अब कहाँ पर सेक्शन ब्रेक लगी है, तो होम टैब के अंदर ये ऑप्शन है, इसको आप रिमूव करोगे या इसको शो करोगे तो ये आपके पास नज़र आ जाएगी कि कहाँ कहाँ पर आपके स्पेसेस हैं और कौन से हिडन एलिमेंट्स हैं आपके, कहाँ कहाँ पर स्पेसिंग आ रही है, कहाँ कहाँ पर सेक्शन ब्रेक्स आ रही है या पेज ब्रेक्स आ रही है, ठीक है जी।